जो भाई यूट्यूबर है ना उनको पता होगा भाई, जो डेटा ट्रांसफर का काम है ना। सो भाई एक चीज और बात करेंगे आज वाले व्लॉग में कि एक्सपेरिमेंट और अपॉर्चुनिटी में क्या यार, मतलब अंत हो गया यार, पता नहीं कैसे क्रैक हो गया, एकदम नया क्रेट है ये और क्रैक हो गया भाई। डेफिनेटली हार्ड ज्यादा है तो शायद इसलिए ऐसा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल आज चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ और यात्रा से आने के बाद भाई अभी फर्स्ट डे अपना ऑफिस की तरफ चल रहे हैं। यू नो काफी सारे काम वगैरह पेंडिंग है और काफी ज्यादा बर्डन इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो देखते हैं अभी क्या क्या मैनेज होता है, कैसे मैनेज होता है और कितना टाइम अपने को लगता है। और इसी के साथ आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि भाई मतलब इट्स जस्ट यू नो फोर डेज मैक्स टू मैक्स 5 डेज और अपने को वापस से जाना है एक ट्रिप पर, तो वो चीज़ें भी मैनेज करनी है यार। मतलब थोड़ा सा पजल डूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, अब वो चीज़ें ना जब आपकी ट्रिप होती है उसके बीच में अटकती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। ठीक है, करते हैं। ये देखो जी, ये चल रहा है भाई रोड पर। बहुत दिन हो गए होंगे आपको भी, अगर आप व्लॉग रेगुलर देखते हो तो भाई आपको पता होगा भाई कितने दिन बाद ये रोड आ रही है हमारे चैनल पर। तो भाई बहुत ही यू नो बहुत ही दिन हो गए यार, एग्जैक्टली बहुत दिन हो गए। बीच में रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं आ पाए थे क्योंकि यार देखो ट्रैवल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मैं सच बताऊँ तो जो भाई यूट्यूबर है ना उनको पता होगा भाई, जो डेटा ट्रांसफर का काम है ना, दैट इटसेल्फ कंज्यूम्स डेली एन आवर, मतलब एक घंटा रोज का तो भाई वो ही है आपका डेटा ट्रांसफर वगैरह करना, वो सारी चीज़ें। मतलब यू नो अगर आपको कोई रील शूट करनी है, वो जो सारा डेटा है आपके पास उसमें से वापस वीडियोस लेना, फिर उनको एडिटिंग में लेना, मतलब भाई लिटरली यार तो है भाई काम है। भाई पहले ना आगे जाके वहाँ पर रोड वगैरह बनी नहीं होती थी तो बड़ी दिक्कत हुई थी बीच में, फिलहाल अब वो चीज़ तो नहीं है, रोड अब अपनी एंड तक ऑफिस तक है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। और मॉनसून चल रहा है बट इस बार ना बारिशें इतनी ज़्यादा हुई नहीं है मैं जो देख रहा हूँ, मतलब ठीक है बीच में थोड़ी बहुत हो गई थी बट इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। तो भाई देख सकते हो बढ़िया अपना, आज तो ट्रैफिक भी कम ही मिल रहा है, ऑल्दो मॉर्निंग टाइम है, या तो मुझे ये वाला इतना ट्रैफिक की आदत नहीं है तो इसलिए मुझे ये कम लग रहा है। सो भाई एक चीज़ और बात करेंगे आज वाले व्लॉग में कि एक्सपेरिमेंट और अपॉर्चुनिटी में क्या यार, मतलब अंतर क्या है। देखो अगर कोई आपको ये कहता है ना कि भाई हम तो मिलके ये चीज़ कर सकते हैं या ये वाला काम कर लेंगे या वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो गया भाई एक्सपेरिमेंट। और अगर कोई शॉर्ट चीज़ है ना, शॉर्ट मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है कि भाई आपको पता है कि ये शॉर्ट है भाई, ये करने से ऐसा होगा ही होगा, तो भाई वो होती है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और फिर भी अपॉर्चुनिटी के अंदर भी बैकअप प्लान होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट तो फिर एक्सपेरिमेंट ही है यार, उसके साथ तो 2-3 बैकअप होने चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फेल होके कहाँ तक डैमेज करेगा ये आप कैलकुलेट स्टार्टिंग में कर पाओ, इतना पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि थिंग्स जब चीज़ें होती हैं ना उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक्चुअल में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो और आप सोच रहे हो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट और आप सोच रहे हो उसको चेंज करने की, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप उसको चेंज तो कर सकते हो लेकिन उस चेंज करने के अंदर जो एक्सपेरिमेंट आप अगर कर रहे हो अपॉर्चुनिटी की जगह, तो भाई बैकअप प्लान 2-3 रख लेना, क्योंकि आपने तो जस्ट प्लान करोगे कि ठीक है भाई इतना हुआ इसको इतने में ऐसा करेंगे और इतना अपना प्रॉफिट होएगा या इतना अपना सैलरी आएगी, ये होगा वो होगा, बट जब चीज़ें उल्टी होती हैं ना, तो इतनी उल्टी होती हैं
कि रिजल्ट बहुत अलग होता है। सो जी फिलहाल ऑफिस में पहुंच गए थे, काफ़ी काम वगैरह हुआ, काम फिनिश हो रहा है और ऑलमोस्ट अब इट्स टाइम कि अब यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको कनेक्ट करते हैं। सो जी फाइनली निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और भाई काफ़ी यू नो हैक्टिक डे था, काफ़ी दिन बाद गए थे यार, तो आपको पता ही है यार बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और आपको दिख भी रहा होगा अभी। तो फिलहाल यहाँ पर भाई क्योंकि मानसून चल रहा है तो भाई रेनफॉल तो चलता ही रहता है, एक दो दिन छोड़ के आती रहती है यार बारिश। अभी फ़िलहाल भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग चल रही है और अभी अपने को ना एक जगह जाना है तो कुछ एक मटेरियल में ना अपने डिफेक्ट हो गया है, अब उसको ही वहाँ पर दिखाना है और देखते हैं कि चेंज होता है नहीं होता क्या होता है। मटेरियल आपको दिखाऊँ ना हल्का सा, तो ये देखो ये पड़ा है, अब इसमें वो क्रैक दिख रहा है आपको बीच में, तो ये यार क्रैक हो गया है यार, पता नहीं कैसे क्रैक हो गया, एकदम नया क्रेट है ये और क्रैक हो गया भाई। डेफिनेटली हार्ड ज़्यादा है तो शायद इसलिए ऐसा हुआ है, कुछ तो इशू है। तो एक बार चलेंगे उनको दिखाएंगे और देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है और फिर वहाँ से फिर सीधा चलेंगे घर की तरफ। फिलहाल यार पता नहीं क्या हो रहा है, सीट में ना मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम गर्म हो रही है काइंड ऑफ सीट। और गाड़ी यार 50,000 किलोमीटर चल चुकी है अपनी, मतलब 50,000 इन द सेंस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट किलोमीटर वाइज जो अपने सर्विस ड्यू है ना वो टोटली ओवर ड्यू हो गई है। तो अब यही सोचना है कि यार कल संडे है, सर्विसिंग पे दें ना दें या फिर नेक्स्ट वीक देंगे, क्योंकि अभी कल यहाँ पर हो सकता है वापसी अपने को आना पड़ेगा काम की वजह से, संडे है बट फिर भी आना पड़ेगा, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक ही फिर देते हैं यार। सो जी ट्रैफिक जैम जो कि मिलना ही था और ये देख सकते हो विंड स्क्रीन पे ये हल्की हल्की ड्रिजलिंग वाई होती हुई। सो जी काम अपना हो चुका है, देख सकते हो न्यू पीस, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, भैया के पास आया था मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर, फटाफट भैया ने आगे अप्रूवल लिया, कॉल पे बात करी कंपनी से, अप्रूव हुआ और फटाफट उठा के मेरे को पीस दे दिया। तो भाई कई जगह ना सर्विस बहुत सही मिल जाती है और मतलब ऐसा ही होना चाहिए यार, देखो जब आपने पैसे लगाए हैं और किसी चीज़ में फॉल्ट आ गया तो फिर ना इफ़ एंड बट अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों ऐसे क्यों वैसे क्यों, भाई देखो किस पे टाइम है, अगर फॉल्ट आया है तभी बंदा आपके पास आता है, फॉल्ट नहीं आया तो किस पे इतना टाइम है कि वो उसको क्रैक करके तोड़ के आपके पास लाएगा दो पीस को, किसी पे नहीं है भाई। हाँ अगर उसके एंड से कोई फॉल्ट हुआ है तो बात अलग है, वो हाइड करना चाह रहा हो कुछ हो, वो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं, बट हमारे केस में क्लियरली विजिबल था कि अगर आपसे डैमेज हुआ है तो उसके साइड एंड पे कहीं ना कहीं निशान होगा, बट ऐसा नहीं था, वो नीचे से एकदम निकला है बाहर। सो जी फिलहाल घर पहुंच चुके हैं और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक गया है और मतलब 2 से 3 दिन ही यहाँ पर हैं और फिर वापस से अपने को निकलना है ट्रिप पर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। इस बार मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो अभी तक मैंने यूट्यूब पर पहले नहीं दिखाया है और काफ़ी टाइम से मतलब प्लान किया हुआ था और फाइनली अब देखते हैं कैसा होता है। फिलहाल आप गेस कर सकते हो अपनी जो जर्नी है ये वाली, ये ट्रेन से होने वाली है और हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं ये तो आपको अपकमिंग व्लॉग्स में ही पता चलेगा, बट मैंने आपको एक हिंट दिया है कि जम्मू की साइड जा रहे हैं और जर्नी होने वाली है ट्रेन से, तो आप गेस कर सकते हो कि कहाँ पर जा रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हो कि भाई शायद यहाँ पर हम जा रहे हैं। और डेफिनेटली यूट्यूब पे पहले मैंने कभी भी वो नहीं दिखाया है और बीच में काफ़ी सारी रील्स भी वायरल हुई थी कि कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो वही अभी फाइनली अपने को करने को मिल रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फिलहाल 2 से 3 दिन तो अभी हैक्टिक जाने वाले हैं बट उसके बाद मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आप कमेंट करके बताओ, आप गैस करो कि मैं कहाँ की बात करूँ और देखते हैं कि आप एग्जैक्ट गैस कर पाते हो या नहीं। तो फिलहाल के लिए आज का ये वाला ब्लॉग फिर यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पर अगर नहीं होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन कीपिंग यू लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी, जल्दी जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। सो मिलते हैं दोबारा कल, बाय बाय।